दोस्तों को तो आज हम आपको दिखाते हैं कि बैटरी से कितना एम्प ये आपकी बैटरी लगी है, लिथियम बैटरी है। अब जब आप चलाते हैं, जैसे आपका, मैं दिखाता हूं आपको बेटा, जैसे ये हमने फर्स्ट मोड में चलाया, फर्स्ट मोड में हमने एक्सीलेट किया, ये आपकी 29 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, 29 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से। अब इससे बैटरी से कितना एम्प आपका निकल रहा है, बैटरी से कितना एम्प बैटरी कितना एम्प दे रही है आपका इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल पावर बनने में, कितना एम्प जनरेट हो रहा है, ये हम कैसे पता करेंगे, तो ये हम बताना चाहते हैं आपको। जैसे फर्स्ट मोड में आपका इतना चल रही है 29, जितना ज़्यादा आप रफ्तार बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका एम्प बैटरी से निकलता जाएगा। सेकेंड 37, तीसरा 45, मतलब मैक्सिमम 45 स्पीड पे चल रही है हमारे। अब हम आपको दिखाते हैं कैसे हम चेक कर सकते हैं कि ये इस बैटरी से हमारा कितना एम्प जनरेट हो रहा है। अलग अलग एम्प जनरेट होगा आपका लोड कैपेसिटी पे भी डिपेंड है आपका, और स्पीड पे भी डिपेंड है। तभी आपने देखा होगा लोड बढ़ा देते हैं हम तो माइलेज कम हो जाता है, तो यही कारण होता है कि लोड बढ़ाने से क्या है कि आपके एम्प इस बैटरी से ज़्यादा निकलते हैं मैकेनिकल पावर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि स्पीड भी उसको करनी पड़ती है मेंटेन। तो ये कैसे चेक करें, तो ये हमारे पास डीसी मल्टीमीटर है, बिना डीसी मल्टीमीटर के आप नहीं चेक कर सकते हैं, ये थोड़ा सा महंगा आता है आपको, मार्केट में महंगा मिलता है, बिना इसके आप चेक नहीं कर सकते हैं। ये जैसा कि देख रहे हैं आप, ये एम्प लिखा हुआ है, एसी और डीसी दोनों का है, आपको डीसी वाला लेना पड़ेगा वरना एसी से नहीं चेक कर सकते आप। अब हम आपको दिखाते हैं चेक करके, पहले बेटा फर्स्ट मोड पे है ये हमारी, पी से पार्किंग से हटाओ, पार्किंग से हटा दिया, कहाँ हट गए। तो अब हम आपको चेक करके दिखाते हैं, अब ये आपकी पहले, ये हमने डीसी पे सेट कर दिया, ये पहले की वैल्यू लिखी हुई है, इस वजह से इस पे ध्यान ना दीजिएगा। अब फर्स्ट मोड पे है हमारी, अब बेटा हाँ एक्सलेट करो, ये देखिए शुरुआत में 16 एम्प निकल के आया था, फिर ये आपका 3.18 हो गया, फिर से ब्रेक लगाओ, अब फिर से एक्सलेट करो, ये देखिए शुरुआत में 20 एम्प निकल के आया था, फिर आपका 3.16 एम्प में आ गया है। शुरुआत में एम्प ज़्यादा निकलता है बैटरी से, क्योंकि एक्सलेट करना पड़ता है मैकेनिकल पावर को, तो इस वजह शुरुआत में एम्प ज़्यादा निकलता है, ये 3.16 एम्प निकल रहा है, ये देखिए ये पहिया की रफ्तार है। अब बेटा सेकंड मोड लगाओ, ये देखिए 7 एम्प एकदम से, जैसे ही आपने सेकंड मोड में लगाया था, तो शुरुआत में क्या है कि एम्प ज़्यादा निकलता है स्कूटी से, बैटरी से 3.37 एम्प हो गया, अब फिर से नॉर्मल हो जाता है एम्प। तीसरे मोड पे लगाओ, ये देखिए 3.65 एम्प, ये आपको दिखा सकते हैं 45 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है तीसरे मोड पे, और 3. चलाते रहना बेटा, 3.61 एम्प जनरेट कर रही है, ये देखिए हमारा पहिया घूम रहा है, 3.61 एम्प। इससे जो बैटरी बनाते हैं उनको आसानी होगी कि हमें कितने एम्प का मैक्सिमम डिस्चार्ज और चार्ज, कितने एम्प का बीएमएस लगाना चाहिए। लगाते रहो, ये देखिए 3.56, ये हमने हटा दिया। तो इस तरह आप एम्प चेक कर सकते हैं, और जो बैटरी बनाते हैं, जैसे बैटरी है, आप जो बैटरी बनाते हैं ये आपका चिप लगी होती है, ये आपका बीएमएस लगा होता है, तो इस तरह आप पता कर सकते हैं कि हमें कितने मैक्सिमम एम्प का डिस्चार्ज का बीएमएस लगाना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें डिस्चार्ज करंट मैक्सिमम 40 एम्प लिखा है, मतलब आपकी जो बैटरी, जो ये बीएमएस का फंक्शन है कि मैक्सिमम केवल आपका 40 एम्प तक ही डिस्चार्ज
एकदम से ले सकते हैं आप। पीक जो पीक इसकी डिस्चार्ज है मैक्सिमम 40 एम्प है। एक बार में आप 40 एम्प से ज़्यादा नहीं ले सकते, बैटरी नहीं तो कट मार जाएगी। तो इस तरह से क्या है कि आप स्कूटी के लिए भी अपनी BMS बैटरी के लिए BMS आप चेक कर सकते हैं। चार्ज करंट आपका ये देखिए लिखा है 20 एम्प, जो चार्जर आप यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम 20 एम्प का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप 20 एम्प का चार्जर कभी मत यूज़ करिएगा। ये आपकी मिनिमम बैटरी आपकी लगभग 25 AH की बैटरी है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 एम का चार्जर ही यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा एम का चार्जर मत यूज़ करिएगा कभी भी। और जैसे और ये आपका 45 में चल रही है, इससे ज़्यादा अगर आपका और स्पीड होती है, जैसे 60 किलोमीटर हो गई 70 किलोमीटर हो गए, तो ज़्यादा एम्प बैटरी से जनरेट होगा। तभी आपने देखा होगा जो हाई स्पीड की गाड़ियां हैं उसमें माइलेज वही बैटरी थोड़ा सा कम निकालती है एज़ कंपैरिजन टू जो इसमें चल रहा है फर्स्ट मोड। देखा होगा आपने कि फर्स्ट मोड में माइलेज ज़्यादा निकल रहा है, सेकेंड मोड में हमारा माइलेज थोड़ा सा और कम निकल रहा है फर्स्ट मोड के कंपैरिजन, और थर्ड मोड में बिल्कुल कम हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे आप मान सकते हैं कि फर्स्ट मोड पे 60 किलोमीटर चल रही है हमारी, सेकंड मोड पे आपका मान के चलिए 50 किलोमीटर चल रही है थर्ड मोड पे, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप स्पीड बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा एम्प यहाँ से निकलता जाएगा, आपका बैटरी से एम्प निकलेगा और आपकी जाके सप्लाई कंट्रोलर में सप्लाई करेगा, और जिससे कि आपकी मोटर घूमेगी। तो हाँ वही मोटर पे सप्लाई करेगा, क्योंकि मोटर को भी चाहिए पावर, तो इस वजह से क्या है कि माइलेज कम होती जाती है। धन्यवाद।